श्री मिश्रा ने कांग्रेस से दिया त्याग पत्र। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के पोते ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, कहा बिहार में कांग्रेस की नीति ठीक नहीं। मोतिहारी में कारोबारी से 1 करोड़ के सोने की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने आंख में मिर्च पाउडर फेंका, फिर ज्वेलरी से भरा झोला लेकर भागे। मोतिहारी में कारोबारी से 1 करोड़ के सोने की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने आंख में मिर्च पाउडर फेंका, फिर ज्वेलरी से भरा झोला लेकर भागे। लखीसराय में जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया, घोंगी कोरासी के जंगल में चल रही मुठभेड़, पुलिस ने 3 शव भी बरामद किए। छपरा में दिन दहाड़े किशोर का मर्डर, दोस्तों ने फोन पर मिलने बुलाया और दाग दी सिर में गोली, हाईवे किनारे मिली लाश। मधुबनी में मोबाइल दुकान से चोरी, 1 लाख का सामान ले गए चोर, 60,000 कैश पर भी हाथ साफ किया। नवादा में अलाव तापने के दौरान लगी आग, अस्पताल में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत, कपड़े में लग गई थी आग। 110 करोड़ की लागत से लगेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बघा शहर की गंदगी से बनेगा उर्वरक, साफ पानी से खेतों की होगी सिंचाई। ग्वालियर बरौनी ट्रेन में साफ सफाई नदारद, मुजफ्फरपुर में गंदगी से बजबजाती रही ट्रेन, एसी बोगी के शौचालय में पानी का जल जमाव। गया में 8 दिनों तक युवती से रेप, शादी का झांसा देकर बुलाया, जमकर घर में बंद कर करता रहा दुष्कर्म। बीएसईबी के दावे फेल, मुन्ना भाई के साथ 74 गिरफ्तार, निगरानी के रडार के बाद भी एग्जाम के लिए तैयार हो गए मुन्ना भाई। समस्तीपुर में 15 लाख की शराब बरामद, पिकअप पर ले जा रहा था आलू के बोरे में नीचे रखी थी शराब। रोहतास में 24 घंटे में मिले 3 कोरोना पॉजिटिव, पिछले 29 दिनों में सबसे कम मामले, 21 हुए रिकवर, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर पहुंची 70। नवादा में धान खरीद में दिखी पैक्स अध्यक्ष की दबंगई, किसानों ने कहा हमको मुखिया चुनाव में वोट नहीं दिया इसलिए नहीं लेंगे धान। देश के टॉप 50 स्मार्ट सिटी में भागलपुर भी, स्मार्ट सिटी के रैंकिंग में आया 25 स्थान का उछाल, 48वें स्थान पर पहुंचा भागलपुर।